योर बिजनेस। अब देखो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे जितना आपके आने से पहले, एंड यू नो यू हैव हर्ड ऑफ किशोर चौकर, यू नो किशोर चौकर, किशोर चौकर इज द एक्स एमडी ऑफ टाटा सन्स एंड आई सपोज ही इज कनेक्टेड। तो हम लोग ने एक छोटा सा प्रोग्राम अटेंड किया था एंड ही स्पोक अबाउट दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन बड़ा चैंबर ऑफ कॉमर्स इंस्टेंटली बोथ ऑफ अस देयर। किशोर चौकर सेड दैट यू आर अ स्मॉल बिजनेसमैन, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज पार्ट एंड दैट इज हाउ द क्रेडिट फॉर टुडेस सेशन गोज टू राकेश। Because you know, I was typically announcing the finance for non-finance, and then he sent me a small message that will it also have PARTA in it? Now you know you are a company, your service provider, customer is the king. So the moment he wrote to me that will you have PARTA in it, immediately I wrote back to him. I said yes, you will have PARTA also. So उस समय मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत कहीं adjust कर दूँगा, so that Rakesh also will be happy, and you know I will have one more audience come to that program. But when I started working on this program, then I realized, oh my God, this is an ocean. And you will see everything is PARTA, but at the same time, everything is so closely interrelated with finance. So, questions to be answered for understanding and implementing PARTA in your business. And remember, implementation of PARTA in your business is not a challenge at all. Why? What is PARTA? Three things are there. पहली चीज क्या है कि मालूम कर लो कि इस प्रोडक्ट की मुझे कॉस्ट कितनी पड़ती है, तो मतलब कहने का ये कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऑर्डर दूसरी कॉस्टिंग। दूसरी चीज मालूम कर लो कि ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट मुझे कितनी पड़ती है। ये आपने दो चीज मालूम कर लिए, तीसरी चीज आपको क्या करनी है, तीसरी चीज आपको एक आदमी आपकी कंपनी में अपॉइंट करना है। उसका काम क्या है, उसका एक ही काम है कि कंपनी के सारे जो लोग हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। Collect मतलब क्या? He doesn't have to run after, because you set up a system. You tell everybody, look gentlemen, you may be the plant head, you may be the CFO, you may be the whatever. Your job is at the 5 o'clock, before 5 o'clock, you send all this information to this person. And what this person has to do? उसके पास में Excel sheet तैयार है, पूरा format तैयार है, उसको information मिलती है, वो उसमें plug-in करता है, वो plug-in करके आपको दे देता है। तो आपके हाथ में एक पेपर आ गया, डैशबोर्ड आ गया, जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि मेरी डेली कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, मेरा डेली प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, मेरा डेली मटेरियल कंजम्पशन कितना होना चाहिए, मेरी इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए, मेरा रिसीवेबल्स कितना होना चाहिए, मेरा कैश कितना होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में कितना है। और अब आपको क्या करना है, आप कंपेयर करो। कंपेयर भी आप नहीं कर रहे, वो बच्चा आपको करके देगा, वो बाकायदे रेड फ्लैग करके देगा कि माइनस हो गया तो रेड में आ जाएगा। अब आपको खाली वो जेंटलमैन से फोन रख के बात करके, भाई ये इन्वेंट्री तो हमारी 0-2 लाख रहनी चाहिए, ये इन्वेंट्री तुम्हारी 3 लाख कैसे हो गई? यू जस्ट हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन एंड रिमेंबर, एंड आई एम नॉट सेइंग कि वेरी नेक्स्ट डे वो 3 लाख से घट के इन्वेंट्री 2 लाख हो जाएगी, आई एम नॉट सेइंग। बट उस आदमी को जब आपका फोन गया तो उस आदमी को एक मैसेज मिल गया कि मैं जो भी कर रहा हूं उसकी इंफॉर्मेशन मालिक तक पहुंच रही है, और मालिक मुझसे पूछ रहा है, इसका मतलब अगली बार ऐसी खबर नहीं आनी चाहिए कि मुझे मालिक को बताना पड़े कि इन्वेंटरी क्यों बढ़ गई। एंड दैट इज व्हाट इज PARTA ऑल अबाउट। यू जस्ट नीड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन वन पर्सन एंड ऑफ कोर्स ट्रेन एवरीबॉडी टू वर्क एंड जस्ट इमेजिन कि PARTA द ब्यूटी ऑफ PARTA इज व्हाट इज अ डेली हेल्थ चेक। PARTA इज अ डेली हेल्थ चेक। Up, see, you are busy, you are the owner of the company, it is possible that you might have 3-4 plants under you, it is not possible for you to physically check everything. So what do? Sure. You put system in place. So you do not have to work out those numbers, somebody, you only have to put this system in place, somebody will come out, bring those numbers to you, you look at those numbers and make a phone call or send a mail. Or mail ka bhi kya hai, wo template bana ke rakho. सेक्रेटरी को बोल दो कि देखो ये 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 यहाँ पे गड़बड़ है, ये वाला मेल इसको भेज दो। ऐसे दिस बट दिस विल डू वंडर्स फॉर यू। एंड व्हाई दिस विल डू वंडर्स फॉर यू, बिकॉज़ फॉर मोर देन 100 इयर्स इट हैज डन वंडर्स फॉर द बिरला ग्रुप कंपनीज एंड सो मेनी मारवाड़ी ग्रुप कंपनीज है। बिकॉज जिस मारवाड़ी को मालूम पड़ा कि बिरला जी PARTA फॉलो करते हैं, एवरीबॉडी स्टार्टेड फॉलोइंग PARTA. And that is what it is. So, अब इसमें हम क्या करेंगे? Second point पे questions to be answered for understanding implementing PARTA in your business. यानी कि ये सवालों के आंसर आपको मालूम होने चाहिए। आपको मालूम होंगे,
नहीं होंगे चिंता करने की जरूरत नहीं है, नहीं होंगे सो देन आई विल एंश्योर दैट यू नो द आंसर ऑफ ऑल दोस क्वेश्चंस दैट सेकंड थिंग एंड देन वी विल टॉक प्रिंसिपल्स बिहाइंड पार्टा एज अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल. तो उसके क्या प्रिंसिपल है. एंड अगेन इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिविटी, इट इज वेरी सिंपल. एंड आई एम श्योर जब मैं आप जितना मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया है उसके बेसिस पे आपके दिमाग में कुछ आइडियाज ऑलरेडी फॉर्म हो गए होंगे कि अगर पढ़ता इंप्लीमेंट करना है तो मेरे बिजनेस में ऐसा होना ही चाहिए. ऐसे दिमाग ऐसे थॉट्स आपके माइंड में ऑलरेडी आ चुके होंगे एंड आई एम श्योर अबाउट दैट एक्चुअली, बट वी विल डिस्कस दोस प्रिंसिपल्स एंड देयर इज नथिंग टू डिस्कस अबाउट देम, इट्स जस्ट दैट वी शुड नो देम एंड दैट इज व्हाट वी विल डू. देन इंप्लीमेंटेशन ऑफ पार्टा टू अचीव प्रॉफिट मल्टीप्लीकेशन. तो अभी अगर जब पार्टा को इंप्लीमेंट करना है प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करने के लिए तो उसके लिए क्या क्या करना है वो सारी चीजें हम लोग एक एक करके समझेंगे. एंड देन इंडिकेटिव स्पेसिमेंट डैशबोर्ड एट द पार्टा. तो फिर मैं आपको अब देखो डैशबोर्ड का मतलब जो पार्टा जो बिरला जी को हर रोजाना शाम को जो एक कागज मिलता है वो ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड है. It is not that for all the Birla Group companies it is the same paper. No, there is one paper that is the only common factor. The information that will appear on that paper, 50% of them must be common, 50% may be different. Why? Because Birla Group में एक ही product नहीं है. Birla Group में 50 product अलग अलग हैं, अलग अलग. तो जैसा company बदल जाएगी तो उसका format कुछ change हो जाएगा. But basic जो information होगी वो क्या होगी I'm going to share with you, right? And then of course you, for your own requirement, can make some changes as may be suitable. Then of course, benefit of PARTA as a system of management control. I'm sure we, जैसे जैसे हम चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो automatically आपको खुद को ही ध्यान में आएगा. और मैं तो कहता हूँ कि जब भी आपको कोई चीज अच्छी लगे ना, कुछ ना idea आपके दिमाग में आता है, after the discussion, write it down on a piece of paper. So I'm sure because many things I would not have covered in this program, but you will get there. आपके दिमाग में आएगा ये भी हो सकता है, तो लिख लो उसको, write it down. And finally, of course, how to implement PARTA in your business. So अगर आपको अपने business में PARTA को implement करना है, तो वो कैसे करेंगे? So this is how, this is what is the agenda that we have for the whole day. So before I move forward, any question, any doubt? That so question is ऐसा है कि ये आज हमने इतने jargons बोल दिए ना, ये management control, ये वो. Correct. That time there was no technology, or there was no such trainings given anyway. How these people got or just like ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए. Now we are studying those things. Very good. Yeah. So I think that's a good question, Rakesh. So ऐसा है. और ये सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे पर तुम थोड़ा सा विस्तार से कर देते हो. सी यू आर इन बिजनेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर इन बिजनेस. एंड आई टेल यू अ पर्सन कैन बी इन बिजनेस फॉर फोर रीजंस. और आपके बिजनेस में होने का क्या रीजन है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका थॉट प्रोसेस कितना ब्रॉड है या कितना नैरो है. जितना आपका थॉट प्रोसेस ब्रॉड होगा उतने ज्यादा ऐसे आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस ब्रॉड है. तो समझ के लीजिए चार कारण है लोग बिजनेस चालू करते हैं. पहला कारण लाइवलीहुड, पेट भरने के लिए. द फर्स्ट रीजन व्हाई पीपल गेट इनटू बिजनेस बिकॉज़ दे हैव टू फिल देयर बेली, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली. सच पीपल इफ दे आर ओनली ड्रिवन बाय The motive कि मुझे मेरा पेट भरना है, मुझे मेरे घर को चलाना है, these people always remain small in business. क्योंकि उनका विजन नहीं है, उनका विजन लिमिटेड है. उनका विजन क्या है कि मैं धंधे में से इतना कमा लूं कि मेरा पेट भर जाए, मेरा घर का खर्चा चल जाए. सो उनकी सोच उससे आगे बढ़ ही पाती है. एंड दैट इज वाई ट्रेडिशनली यू विल फील लॉट ऑफ पीपल आर इन बिजनेस फॉर सेंचुरीज बट दे आर द सेम स्मॉल. द सेकेंड नंबर सेकेंड रीजन व्हाई पीपल डू इन बिजनेस कि मुझे मेरे भाई को दिखाना है, मुझे मेरे दोस्त को दिखाना है, मुझे मेरे नेबर को दिखाना है कि मैं तेरे से कितना बड़ा शो बिजनेस. सी दैट इज सेकंड मोटिव. अब ठीक है ऐसे लोग थोड़ी प्रोग्रेस करते हैं, इसमें कोई
बड़ी बात नहीं है, पक्की बात है, जो जिन लोगों के मन में, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या करते हो, आप वो करते हो जो आपके दिमाग में होता है, ये सब में। तो अगर मुझे लगता है कि यार मेरे को तो इतना बड़ा होकर दिखाना है कि ताकि मेरे बड़े मेरे भाई से दो कदम ऊपर रहूं, तो मैं उतना कर पाऊंगा। थर्ड रीजन व्हाई पीपल आर इन बिजनेस, देयर इन बिजनेस बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट गॉड हैज थॉट मी टू बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन and that is why he has put me in the position of a businessman, and he has put me in the position of a businessman not because I could fill my bank balance, he has put me in the businessman position because usko lagta hai ki main zimmedari se kaam karunga aur mere business ke madhyam se society mein socio economic transformation leke aaunga. That is the third reason as to why people do business. So people like Ghanshyam Das Birla, people like Jamsetji Tata, people like G.R.D. Tata, people like Ajim Premji, people like Narayan Murthy, people like Warren Buffett, people like Bill Gates, they are the in business for the third reason. Warren Buffett ko parwa nahi ki mere bank mein kitna balance hai. वॉरेन बफेट को ये परवाह है कि मैं कैसे ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं और कैसे उस ज्यादा प्रॉफिट को सोसाइटी के भले के लिए लगाऊं। रतन टाटा को परवाह नहीं है कि मेरी कितनी गाड़ियां बिकती हैं, रतन टाटा को परवाह है कि मैं गाड़ी बनाऊं और इतनी सस्ती गाड़ी बनाऊं ताकि ये देश का हर परिवार गरीब गरीब परिवार भी गाड़ी अफोर्ड कर सके। और आपको बताऊंगे यू नो व्हाट इज दी हाउ दी कंसेप्ट ऑफ दिस or car that nano, how it came into existence, you have mom kaise mom kaise kaise you know one day Rajit tha, Mr. Ratan Tata was driving back home from the office middle of the night, it was raining cats and dogs, torrential rains, he was comfortably going in his car and suddenly he saw in that rain that under a banyan tree along the road there was a family of four, father, mother, son and daughter. They were trying to escape themselves from the shower of the rain. And past mein unhone dekha ki unka ek chota sa two wheeler scooter khada tha. Ratan Tata ko dimag mein aa gaya ki ye charo scooter pe ja rahe honge, achanak se barish chalu ho gayi hogi, to barish se bachne ke liye unhone ye scooter baaju mein laga diya. Ab ye khade hain barish ke band hone ka intezar kar rahe hain ki barish band ho fir ye ghar jaye. That time Ratan Tata thought, can I not produce a car in this country which everybody can afford so that people do not have to suffer like this family? And that is how he thought of Nano. So this is the category of third category of the people who are in business. So you become Ghanshyam Das Birla, and then of course what drives you? When you become a Ghanshyam Das Birla, you think of PARTA. And why do you think of PARTA? Because you are not worried about the profit. You are worried about a definite profit. And what definite profit? इसके लिए आप दिमाग चलाते हो, दिमाग चलाते हो तो दिमाग में आइडियाज आते हैं, आइडियाज आते हैं तो टेक्निक आती है, टूल आता है, और मैं दिमाग में ऐसा करता हूँ, PARTA चालू करता हूँ, मंथली रिपोर्टिंग का वेट नहीं करूंगा, एवरी डे रिपोर्टिंग चाहिए, एवरी डे रिपोर्टिंग होगी, हर एक आदमी विल बी ऑन हिज टोज, यस और नो? Yes. हर किसी को मालूम है कि शाम को सेठ जी को इंफॉर्मेशन भेजना है, एवरीबॉडी विल बी ऑन हिज टोस, बट रिमेंबर सेम थिंग, इफ द रिपोर्ट हैज टू गो एट द एंड ऑफ द मंथ देन व्हाट इज नॉट हैपन फॉर होल मंथ पीपल आर गोइंग टू रिलैक्स, इट्स ओनली ऑन द लास्ट डे दे विल स्टार्ट टू डू समथिंग एंड द प्रोसेस कुछ जमेगा कुछ नहीं जमेगा तो कुछ बेनिफिट भेज देंगे। द फोर्थ रीजन as to why people start business, because they want to show to the whole world, वो पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूं, और उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए by hook or crook they try to get money, and such people become Neera Modi, Vijay Mallya, Mehul Choksi and so many others.
And then what happens? For these people, PARTA is not important. Why PARTA is not important? Because their profit is not coming from the business. Their profit is coming from the chori, chakari, loot, dacoity that they are doing from other places. Are you with me? So, जो विजय मल्या 9000 करोड़ रुपए लेके भागा, वो 9000 करोड़ रुपए विजय मल्या ने उसके बिजनेस में से नहीं कमाए, वो 9000 करोड़ रुपए उसने बैंक से कर्जा लिया उसको लेके गायब हो गया. Are you understanding with me? So that means तो विजय मल्या पर्दा भी नॉट आकर, क्योंकि उसको पर्दा का कहां से दिमाग में आएगा, क्योंकि पर्दा का किसको दिमाग में आएगा, पर्दा का उसके दिमाग में आएगा जो कि बिजनेस से पैसा कमाता है. So this is the fourth category of the people. So these are the four reasons. What is the difference between fourth and second? Yeah, fourth and second में difference ऐसा है कि second वाला still ethical है. Ethical, ethics is good. Second वाला still ethical है और second वाले की ego थोड़ी सी inflated है. चौथा वाला जो है वो completely unethical है. उसके लिए पैसा important है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये important है. That is the difference. पर वो चौथे कैटेगरी के लोग कभी तो वो एथिकल काम कर रहे थे, वो भी प्रॉफिट अच्छा बना रहे थे, वो भी सोसाइटी में हेल्प कर रहे थे, कभी तो दे डिडंट वर्क इट, वो तो चौथे कैटेगरी में नहीं गए थे. एक्चुअली दैट्स अ गुड पॉइंट. थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी इसके लिए. इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी. पर अगर आप रिसर्च करके देखोगे तो मैं आपको बताऊं, आपको मालूम पड़ेगा ये चौथी कैटेगरी के जो लोग हैं टुडे दे हैव बिकम नेम टू नो. But if you go into their roots, you will realize that ये चौथे कैटेगरी के लोग शुरू से ही ऐसे थे. Yes. तो मेहुल चौकसी जिस दिन वो भागा उस दिन बेईमान नहीं हो गया. मेहुल चौकसी उस दिन से बेईमान था जब से उसने बिजनेस चालू किया. हो सकता है उस दिन ईमान रहा हो. नहीं, पर्पस ही उसकी नहीं बदल गई. पर्पस जो बिजनेस का था, पर्पस ही होगा ना कि मुझे दुनिया को दिखाना है. मैं सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ, सबसे ज्यादा मेरे पास में पैसा है, और आपका अगर ये ड्राइवर है कि मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा है, मैं सबसे बड़ा हूँ, तो फिर आप तो सोचोगे ही नहीं ना कि आपको तो ये लगेगा आपका ड्राइवर क्या है. घनश्याम दास बिरला का ड्राइवर क्या है? घनश्याम दास बिरला का ड्राइवर है कि कितने लोगों के जीवन में मैं पॉजिटिव डिफरेंस लेके आऊं, कितने लोगों की लाइफ को मैं अच्छा करूं, कैसे मैं देश की इकोनॉमी को बढ़ाऊं. दैट इज द ड्राइवर ऑफ घनश्याम दास बिरला. व्हाट इज द ड्राइवर ऑफ द फोर्थ कैटेगरी? द ड्राइवर ऑफ फोर्थ कैटेगरी इज कैसे मैं सबसे ज्यादा पैसे वाला बन जाऊं, पैसा कहां से है परवाह नहीं. नाउ व्हाट यू कैन आस्क राकेश इज द फर्स्ट कैटेगरी पीपल. फर्स्ट कैटेगरी पीपल समटाइम्स व्हेन दे स्टार्ट विद देयर with the worry for their livelihood. But as they keep doing well in their life, तो करते 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 उनके दिमाग में कहीं ऐसा आता है कि यार मैं कमा रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, मेरे घर का भी काम चल रहा है, तो क्यों ना मेरे बिजनेस को ऐसे बढ़ाऊं कि मैं और लोगों को भी जोड़ लूं. So then this first category people, they start shifting to the third category. और थर्ड कैटेगरी में जाके वो घनश्याम दास बिरला की बने या बने ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो घनश्याम दास बिरला जैसे बन जाते हैं. मतलब उनको दुनिया जितने घनश्याम दास बिरला को जानती है या जमशेद जी टाटा को जानती है उतना जाने या ना जाने, पर ये काम वो वही करते हैं जो घनश्याम दास बिरला करते हैं या जो रतन टाटा या जमशेद जी टाटा करते हैं. I hope this answers your question, and I'm glad that you asked this question because this is in the crux of the business. Remember, and ये बात हम सबको याद रखने की जरूरत है. सारे businessmen को ध्यान रखने की जरूरत है. See, we are in business. Please add something. Yeah, sure, please. Your question. I don't know. I was just thinking when this discussion was happening. आप बोलते हो कि जब हम लोग